नमस्कार, मैं सजल लघुवंशी आपका स्वागत करता हूं खबर रफ्तार में। तो आइए जानते हैं खबरों को रफ्तार विस्तार से। बिल्किस बानो केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को गुजरात सरकार से 11 दोषियों को क्षमा करने की फाइल ना दिखाने पर सवाल उठाया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को मुकर्रर की जाएगी। असम इंडियन यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष अंकिता दत्ता ने राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर उत्पीड़न करने व लिंग के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है और कहा राहुल ने इस बात पर नहीं की कार्रवाई। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए 7 और उम्मीदवारों की सूची जारी की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेटर को हुबली धारवाड़ की मध्य सीट से दिया टिकट। सूडान में फंसे लोगों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिद्धरमैया को कहा कि वहां जीवन दांव पर है और आप राजनीति कर रहे हैं। आसाम के कोरबी आंगलोंग जिले में मंगलवार 18 अप्रैल को 100 से अधिक पूर्व उग्रवादी नेता सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। वे पहले नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के सदस्य थे और उनका नेतृत्व नवीन चंद्र बोडो कर रहे थे। 26 अप्रैल को होने वाली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने मेयर पद के लिए शिखा और दीप्ति मेयर के लिए सोनी पांडे को बनाया उम्मीदवार। दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर आम आदमी पार्टी के दावों पर एलजी ने दी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में फिर से शुरू हुई पुरानी पेंशन योजना, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। ओल्ड पेंशन स्कीम से राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। सपा नेता गुलशन यादव पर महिला ने दर्ज कराया छेड़खानी और लूट का मुकदमा। गुलशन यादव राजा भैया के खिलाफ विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके थे। उत्तर प्रदेश के शामली में बीजेपी नेता दीपक सैनी के निकाय चुनाव में चेयरमैन का टिकट न मिलने पर की आत्महत्या। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। अनुराग ठाकुर व प्रवेश के खिलाफ याचिका CPIM के नेता वृंदा ने दायर की थी। अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर 8 पॉइंट शेयर कर उठाए सवाल। बसपा ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए जारी की 10 उम्मीदवारों की लिस्ट। क्राउडफंडिंग के पैसों के गबन के मामले में TMC प्रवक्ता साकेत गोखले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिली जमानत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समारोह में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम लैंड जिहाद और मजार जिहाद को हर कीमत पर रोकेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर तुरंत जातिगत जनगणना की मांग उठाई। शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में CBI ने TMC विधायक जीवन कृष्णा को किया गिरफ्तार। बीजेपी नहीं छोड़ेंगे अजीत पवार, बीजेपी में शामिल होने की अटकलों का खंडन किया। इसी बीच बीजेपी पर निशाना साधते हुए संजय राउत बोले, हमने भाजपा का नकाब उतार दिया। मध्य प्रदेश के विधायकों का बढ़ सकता है वेतन भत्ता। मध्य प्रदेश में पूर्व विधायकों ने वेतन भत्ता और कई अन्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। जलंधर उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, इंदर इकबाल को बनाया उम्मीदवार। पानीपत में मेडिकल स्टोर कर्मी ने 1 साल के बच्चे को नाक बंद कर दी दवा, गई जान। दादरी में शराब के नशे में किया झगड़ा, पुलिस वाहन को देख ठेके से में घुसे 3 युवक। रोहतक में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या, भाई व मामा की हालत गंभीर, कार सवार 4 युवकों ने किया वारदात को अंजाम। करनाल में कमजोर नींव व इमारतों में आई सीलन बनी हादसे कारण, धमाके के साथ आई आवाज से लोगों में मचा हड़कंप। बादशाह के सनक पर होगी FIR, महाकाल के पुजारी महादेव के साथ अश्लीलता शब्दों के इस्तेमाल से भड़के। स्पीच ना देने के ऑस्कर के रवैये पर चंद्र बोस का बड़ा बयान, कहा मेरे नमस्ते ने रचा इतिहास। अंशुमन झा ने सिंगल लेंस से शूट की पूरी फिल्म। टॉलीवुड कॉमेडियन अल्लू रमेश का निधन, 52 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। त्रिवांग फिल्म फेस्टिवल में होगा आदि पुरुष का प्रीमियर, विदेशों में गूंजेगी भगवान श्री राम की कथा। राउडी राठौर 2 में अक्षय कुमार की जगह सिद्धार्थ मल्होत्रा आएंगे नजर। सस्ते ट्रेजेडी किंग से जुबली कुमार कैसे बने राजेंद्र कुमार, लोग समझते थे मुसलमान।
बॉलीवुड की पॉलिटिक्स पर फिर प्रियंका ने दिया बड़ा बयान, कहा मेरी सक्सेस से इनसिक्योर है। साउथ फिल्मों में काम करना चाहती हैं शहनाज, इस अभिनेता संग स्क्रीन शेयर करने की जाहिर की इच्छा। पहली बार हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा भारत। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता बोंग बने भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच। पेट पर पट्टी बांधकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए फाफ डुप्लेसी, फैंस ने तस्वीर शेयर कर की सराहना। गरीब बच्चों के लिए 50 लाख की लागत खर्च कर अलीगढ़ में हॉस्टल बनवा रहे हैं केकेआर के रिंकू सिंह। अर्जुन ने आखिरी ओवर में दिए 4 रन व लिया 1 विकेट, एमआई ने एसआरएच को 14 रन से हराया। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले चौथे क्रिकेटर बने रोहित शर्मा। आईपीएल आचार संहिता तोड़ने पर कोहली पर लगा मैच फीस का 10% जुर्माना। मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर तिलक वर्मा ने हैदराबाद स्थित अपने घर होस्ट किया डिनर, शेयर की तस्वीरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए वी युवा एक्सप्लोरिंग सत्य के साथ।